उत्तराखंड में चुनाव का मौसम है। देश भर के पत्रकार इन दिनों पहाड़ चढ़ रहे हैं ताकि यहाँ की राजनीतिक हलचल की थाह ले सके। ऐसे ही एक पत्रकार बीते दिनों दिल्ली से रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के लोकल कार्यकर्ता से पूछा, क्यों भैया किसका जोर है इस बार आपके इलाके में? अमुक कार्यकर्ता ने पूरी ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, भाई साहब जोर तो हमारी ही पार्टी का है, लेकिन खा बा का गणित खेल बिगाड़ सकता है। दिल्ली से आए पत्रकार ने हिंदू मुसलमान का गणित सुना था, तिलक तराजू और तलवार सुना था, MY गठजोड़ की भी उन्हें जानकारी थी, लेकिन ये खाबा का गणित आखिर क्या बला है इससे वो अनजान थे। खाबा का ये वही गणित है जिसकी चर्चा हुए बिना उत्तराखंड का कोई चुनाव पूरा नहीं होता, बल्कि मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष तक जब चुने जाते हैं तो इस खाबा के गणित को नजरअंदाज नहीं किया जाता। इस गणित में खा का मतलब होता है खसिया। खसिया एक ऐसा शब्द जो पहाड़ों में या तो दबे छिपे बोला जाता है या राजपूतों को छेड़ने चिड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर राजपूत लोग खुद को खसिया बोले जाने पर बिदक भी जाते हैं। लेकिन क्या वाकई खसिया एक अपमानजनक शब्द है? ये शब्द कहाँ से आया, दुनिया में कहाँ कहाँ इस शब्द का प्रयोग होता है और आखिर कौन होते हैं खसिया? इन सभी मुद्दों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनमीत और आप देख रहे हैं पर्वतों के रहवासियों को समर्पित बारामासा का ये कार्यक्रम हाईलैंडर्स। खसिया शब्द ना तो अपमानजनक है और ना ही सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित है। ये शब्द एक ऐसे मानव समूह के लिए इस्तेमाल होता रहा है जिसकी कर्मठता के किस्से दुनिया में कई कोनों में सुनाई देते हैं। एक ऐसा मानव समूह जो हजारों साल पहले उत्तराखंड भी आया और फिर यहीं का होकर रह गया। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आज के उत्तराखंड में ना सिर्फ राजपूत बल्कि 90% ब्राह्मण जातियाँ भी इसी मानव समूह से निकली हैं। जी हाँ, पहाड़ों के 90% ब्राह्मण भी असल में खसिया ही हैं। ये तथ्य अगर आपको हैरान कर रहा है तो चलिए आपको खसों के मूल इतिहास की ओर ले चलते हैं। हिमालय से हजारों किलोमीटर दूर सेंट्रल एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसे कैस्पियन सी या कैस्पियन सागर भी कहा जाता है। यहीं से काकेकस पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी शुरू होता है जो ब्लैक सी तक फैलता है। माना जाता है कि खस नस्ल के लोग मूलतः इसी पर्वत श्रृंखला से निकले। प्रोफेसर डीडी शर्मा अपनी किताब हिमालय के खस में लिखते हैं, काकेशस पर्वतों में रहने वाले लोग ही खस कहलाए, जिन्हें मूलतः कस्सी कहा जाता था। बल्कि इन्हीं लोगों के कारण कैस्पियन सागर को भी अपना नाम मिला, जिसे अरबी भाषा में बहरे खस या खस सागर कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस इलाके में हजारों साल पहले एक बड़ा भूकंप आया था। इसमें हजारों लोगों की मौत हुई और बाकी बचे लोगों ने तेजी से पलायन करना शुरू किया। यही लोग फिर मध्य एशिया होते हुए भारत भी पहुंचे और खस कहलाए। प्रोफेसर डीडी शर्मा के साथ ही देश और दुनिया के कई शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने खसों को मूलतः काकेकस का ही वासी बताया है। साल 1828 में रिट्सहेबर, 1867 में वॉटसन, 1884 में एटकिंसन और 1929 में प्रोफेसर LD जोशी ने भी खसों पर शोध किए। इन सभी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने खसों का संबंध काकेकस पर्वतों में रहने वाले कस्सी या कसायत मानव समूह से माना है। इसी मानव समूह को समय के साथ साथ कैस, खैस, खस, खस और खसिया कहा जाने लगा। इतिहासकार ट्रैबो के अनुसार पूर्व पसार काल के अंत में खस मानव समूह की एक शाखा काकेकस से अनातोलिया की ओर चलते हुए मध्य यूरोप में दाखिल हुई और वहीं बस गई। इसकी दूसरी शाखा सीरिया फलस्तीन होते हुए अफ्रीका पहुंची, जहां उन्होंने नील नदी के पास कुश साम्राज्य की बुनियाद रखी। और इसकी तीसरी शाखा पहाड़ी रास्तों से तुर्की, ईरान और इराक होते हुए कुर्दिस्तान में जा बसी। इसी शाखा के लोग आगे चलकर अफगानिस्तान, आज के पाकिस्तान और कश्मीर होते हुए हिमालय राज्यों में पहुंचे। कुछ ऐसी ही यात्रा आर्यों की भी रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आर्य और खस एक ही है? खसों पर विस्तृत शोध करने वाले LD जोशी के अनुसार खस आर्यों का ही एक उपवर्ग है। हालांकि ये कह पाना कठिन है कि मध्य हिमालय में खस वैदिक आर्यों से पहले आए या बाद में, लेकिन यह तय है कि आदि गुरु शंकराचार्य के संपर्क में आर्य पहले आए, लिहाजा इन्होंने हिंदू शास्त्रों को पहले अपनाया, जबकि खसों ने लंबे समय तक जाति व्यवस्था की मुखालफत की। आर्यों पर शोध करने वाले अधिकतर विद्वान और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि मौलिक आर्य जाति के दो दल थे। एक को उन्होंने सेफेलिक कहा, दूसरे को दसेफलिक। सेफलिक वो हुए जिन्होंने एक स्थिर, स्थायी और व्यवस्थित जीवन शैली अपनाकर धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन किया।
जबकि दशाफ्लिक वो है जिन्होंने प्रकृति के अनुरूप ही एक स्वच्छंद जीवन शैली चुनी। भारतीय संदर्भ की बात करें तो सैफ्लिक होए वैदिक आर्य और दशाफ्लिक होए खस। खसों को आर्यों का ही एक वंशज मानने का एक प्रमाण डीडी शर्मा अपनी किताब हिमालय के खस में भी देते हैं। वो लिखते हैं, इसका एक प्रमाण ये भी है कि सदियों तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी जब ये करीब आए तो बेहद सहजता से घुल मिल गए। प्रागैतिहासिक काल में भी इन दोनों ने हिमालय क्षेत्रों में संगठित होकर नागों, कोलों और किरातों से संघर्ष किया और उन्हें हराकर उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। भाषाई आधार भी यही संकेत देते हैं कि खस और वैदिक आर्य एक ही मूल के थे, क्योंकि इन दोनों की मातृभाषा एक ही थी। वैदिक आर्यों की संस्कृत एक ही गर्भ से निकली हुई सगी बहनों जैसी है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने संस्कृत की जिस विभाषा को उदीचाम नाम दिया है वह इन्हीं खसों की भाषा थी। उत्तराखंड के संदर्भ में तो ये जानकारी और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। तारादत्त गैरोला, एडविन एंडकिंसन और एलडी जोशी जैसे विद्वानों का हवाला देते हुए प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा लिखते हैं कि इस प्रदेश में रहने वाले ब्राह्मणों की भी लगभग 90% आबादी असल में खसों की ही वंशज है। यानी इस लेखकों और इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड की अधिसंख्य अगड़ी जातियां खसिया है। ये तो ही खस समुदाय के मूल और उनके हिमालय क्षेत्रों में बसने की कहानी। अब बात करते हैं कि खसों के सबसे अहम पहलू पर, इस पहलू पर कि यहाँ बसने के बाद उन्होंने हिमालय राज्यों को क्या क्या दिया। डॉक्टर डीडी शर्मा की माने तो आज अधिकतर हिमालय क्षेत्रों में जो कुछ भी जिस किसी रूप में उपलब्ध है वो सब इन खसों के श्रम और प्रयास का ही फल है। इतिहासकार डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल थोड़ा और विस्तार में जाते हुए अपनी किताब खसों के पदचिन्ह में लिखते हैं, इन प्रदेशों में रहते हुए खसों ने यहाँ की वनस्पतियों, पेड़ पौधों की उपयोगिता का पता लगाया। यहाँ पैदा होने वाली हजारों जड़ी बूटियों का नामकरण किया, उनकी लाभदायक और हानिकारक विशेषताओं को चिन्हित किया, बनेले पशुओं, भेड़ बकरियों, कुत्तों, घोड़ों, गधों को पालतू बनाया, जानवरों के लिए उपयोगी घास वाले पेड़ों, जंगली फलदार वृक्षों को अपने और अपने जानवरों के लिए उगाया और उनका पोषण किया। पहाड़ी इलाकों में कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल तक जो सीढ़ीदार खेत आपको नजर आते हैं ये सब खसों की ही देन है। कल्पना कीजिए पहाड़ी ढलानों को काट काट कर उन्हें खेती लायक बनाने की यह कितनी विशाल परियोजना रही होगी जिसे खसों ने पूरा कर दिखाया। सिर्फ खेत ही नहीं बल्कि नदी नालों से खेतों तक नहर बनाने का काम भी खसों ने ही किया, जिसकी बदौलत आज भी हिमालय के राज्य अपने पैरों पर खड़े हैं। हिमालय के खस में लिखा गया है कि अपने जानवरों के साथ पर्वतों की पीठ पर चलते हुए खसों ने जो पदचिन्ह बनाए उन्हीं से पहाड़ों के प्रारंभिक मार्ग बने। खसों ने दलदलों पर डंडे रखकर, हिमानियों पर मिट्टी फेंककर, महानदियों को खोलों की डोंगी से और रस्सियों के झूलों से पार करके जिन रोचक विधियों का आविष्कार किया उन्हीं के सहारे पिछले हजारों साल से तमाम जातियां, शरणार्थी टोलियां, विजेताओं की सेनाएं, व्यापारियों के काफिले, चोर डाकुओं के दल, साधु संत, यात्री और घुमक्कड़ों की पंक्तियां चली आ रही हैं। खस लोग पहाड़ों के सबसे पहले रहवासी नहीं थे। नाग, कोल और किरात उनसे पुराने रहवासी रहे हैं, लेकिन पहाड़ों को खेती लायक बनाने और आधुनिक जीवन शैली से जोड़ने का श्रेय खसों को ही जाता है। जानवरों को पालतू बनाने का काम भी पहले पहल उन्होंने ही किया और गाय की उपयोगिता को समझते हुए उसकी पूजा करने की परंपरा भी खसों ने ही शुरू की। अमेरिकन इतिहासकार जेम्स फोर्ड रोड्स की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल लिखते हैं कि गाय को पूज्य ठहराने के पीछे खसों का ही योगदान है। खस लोग गाय को मातृ देवी हियोर का प्रतिनिधि मानते थे। वे गाय के प्रति अपनी इसी पूज्य भावना को लेकर भारत में दाखिल हुए थे। बाद में अन्य जातियों और समुदायों ने भी उनका अनुकरण किया और गाय को पूजने की परंपरा विस्तृत हुई। खस समुदाय में छुआछूत जैसी कुप्रथा या जाति व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये लोग उन समुदायों से दूरी जरूर बनाए रखते थे जो गाय का मांस खाते थे। डॉक्टर सी डबराल के अनुसार वैदिक आर्यों में भी संभवतः गाय की पूजा करने की परंपरा खसों के प्रभाव से ही आई। क्या खस केवल गाय की ही पूजा करते थे या उनका कोई भगवान भी था? भगवान की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वैदिक आर्यों के प्रभाव में खस कई सालों बाद आए। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि हिंदू धर्म में शामिल होने से पहले खस किसकी पूजा किया करते थे। प्रोफेसर डीडी शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बसे खसों के देवी देवता लगभग एक समान थे। कॉकेशस श्रृंखलाओं से हिमालय तक पहुंचने की उनकी यात्राओं में वो कई देवी देवताओं को मानने लगे थे। इनमें एक देवता था कशु।
कालांतर में यही कशु देवता महासु के रूप में पूजा जाने लगा, जिसके मंदिर हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में भी मिलते हैं। हिमाचल में तो पूरे जिले को ही महासु का नाम दिया गया था। इस जिले को 1 सितंबर 1972 को खत्म कर शिमला और सोलन जिले का पुनर्गठन किया गया। हिमालय के खस में इस संदर्भ में लिखा गया है, नाग मानव समूह के इष्ट देव शिव थे। नागों को हराने के बाद जब खशों ने उनकी महिलाओं से विवाह किया तो नागवंशीय पत्नियों के माध्यम से शिव और महासु का मूल भेद दृष्टि से ओझल हो गया और दोनों को एक ही माना जाने लगा, क्योंकि महासु का मतलब भी महान देवता या महादेव ही होता है। अतः भाषा के आधार पर महासु, महादेव तथा महेश्वर को एक ही माना जाने लगा। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो इन दोनों की ही संकल्पना और आराधना पद्धति में मूलभूत अंतर है। मसलन महासु देवता के साथ शिवरात्रि जैसा कोई विशेष त्यौहार नियत नहीं है। दूसरा, महासु नियत रूप से बलिभोजी देव शक्ति हैं, यानी उसके मंदिर में पशु बलि दी जाती है, जबकि शिव भगवान के लिए पशु की बलि देने की प्रथा कभी नहीं रही। महासु देवता के समान ही शिव का एक अन्य रूप जो कि खशों का आराध्य रहा है वो है बैजनाथ। इसके प्रख्यात मंदिर खश प्रधान क्षेत्रों मसलन हिमाचल के कांगड़ा, उत्तराखंड के बैजनाथ, कत्यूर और नेपाल में भी मौजूद हैं। हजारों साल पहले जो खस उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्यों में बसे थे उनकी मौजूदगी के कुछ स्पष्ट प्रमाण उनके स्वग्रह और कब्रों से भी मिलते हैं। इन्हें मैगेलिथिक स्वग्रह कहा जाता है। 19वीं सदी के इंग्लैंड के इतिहासकार J.W. व्हीलर के अनुसार ये स्वग्रह अल्मोड़ा के देवीधुरा से लेकर पश्चिम में लेह लद्दाख तक पाए जाते हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुमाऊं के दाराहाट, बैजनाथ और बागेश्वर में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र में यह स्वग्रह रामगंगा की घाटी में नौला और जैनल में भी मिलते हैं। जाते जाते आपको खसों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और बताते हैं। पहली तो ये कि आज भी उत्तराखंड में जो आंचलिक त्यौहार खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं उनमें अधिकतर खसों के ही त्यौहार हैं। मसलन हरियाली, जिसे हरेला भी कहा जाता है, बगवाली, बूढ़ी दिवाली, उत्तरायणी, फूलदेई, भुंडा आदि, ये सब खसों के ही त्यौहार हैं। अब जब खसों के इतिहास के बारे में आप इतना कुछ जान गए हैं तो एक अंत में दिलचस्प कहानी आपको और सुनाते हैं। यह कहानी तब की है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने में कुछ ही समय बचा था और हिटलर प्योर ब्लड यानी सबसे शुद्ध रक्त के मूल को खोजने की सनक में था। हिटलर एंड इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हैट्रिक फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल के लेखक वैभव पुरंदरे ने इस संबंध में एक लेख लिखा है जो BBC हिंदी में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में बताया गया है कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से एक साल पहले जर्मन लोगों का एक समूह चुपके से भारत की पूर्वी सीमाओं पर पहुंचा। इस समूह का उद्देश्य था आर्य जाति की उत्पत्ति का स्रोत खोजना। एडॉल्फ हिटलर का मानना था कि आर्य नार्डिक लोग लगभग 1500 साल पहले उत्तर दिशा से भारत आए थे, लेकिन यहाँ आकर वह स्थानीय अनारियों से घुल मिल गए, लिहाजा पृथ्वी की सबसे श्रेष्ठ नस्ल होने का गुण उन्होंने खो दिया। फिर भी अगर मेहनत की जाए तो उस श्रेष्ठ नस्ल के कुछ लोग खोजे जा सकते हैं। हिटलर के अनुयायी गोरा नार्डिक श्रेष्ठ जाति का विचार रखते हुए शपथ लेते थे। ये लोग एक खोए हुए काल्पनिक शहर अटलांटिस की कहानी में यकीन रखते थे, जहां कभी सबसे शुद्ध रक्त के लोग रहा करते थे। माना जाता है कि यह शहर अटलांटिस महासागर से इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच कहीं स्थित था। कहते हैं कि यह पौराणिक द्वीप एक दिन दिव्य वज्रपात के चपेट में आने के बाद डूब गया। माना जाता है कि यहाँ से बचने वाले सभी आर्य सुरक्षित स्थानों पर चले गए। हिमालय और खास तौर से तिब्बत को उनकी सुरक्षित शरण स्थली माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की छत के रूप में मशहूर है। हिटलर के आदेश पर उसके सलाहकार और सैन्य कमांडर हेनरिक हिमलर ने 1935 में एक यूनिट बनाई जिसे अहन नरेबे या पैतृक विरासत ब्यूरो कहा जाता था। इस ब्यूरो का काम यह पता लगाने का था कि अंटार्कटिक शहर के लोग बिजली गिरने और प्रलय होने के बाद आखिर कहाँ गए, लिहाजा उस जगह की खोज की जाए जहाँ महान आर्य जाति के निशान अभी भी बने हुए हैं। इसी खोज में 1938 में हिटलर ने 5 जर्मनों की एक टीम को भारत होते हुए तिब्बत भेजा था। इन्हें यहाँ के लोगों और ख़ास तौर से खसों की नस्ल परखने का काम मिला था। ये जांच टीम लोगों की खोपड़ी और उनके चेहरे का माप लेती और फेस मास्क बनाती। इनका ये काम चल ही रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और इस टीम को जर्मनी लौटना पड़ा। हालांकि तब तक इस टीम ने 376 तिब्बतियों की खोपड़ी और अन्य विशेषताओं को माप लिया था। उनकी करीब 2000 तस्वीरें, चेहरे, हाथों और कानों की नकल और करीब 350 लोगों की उंगलियों और हाथों के निशान ये टीम जमा कर चुकी थी।
तिब्बत से लाई गई इस शोध सामग्री को साल्ज़बर्ग के एक महल में रखा गया, लेकिन 1945 में मित्र देशों की सेना ने वहां छापा मारा, जिसमें अधिकांश तिब्बती चित्र और अन्य सामग्रियां बर्बाद हो गई। फिर नाजियों के अतीत की शर्म के चलते युद्ध थमने के बाद भी किसी ने उन सामग्रियों का पता लगाने की कभी कोशिश नहीं की। हिमालय के खसों में सबसे शुद्ध रक्त खोजने की सनक हिटलर की मौत के साथ ही समाप्त हो गई। हाइलैंडर्स का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि खसों का समृद्ध इतिहास जानने के बाद आप खा बा के चक्करों में नहीं पड़ेंगे और ना ही खसिया बुलाए जाने पर नाराज होंगे। हाइलैंडर्स की अगली कड़ियों में भी हम आपके लिए पर्वतों के रहवासियों से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक और रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहें 12वां।